नमस्कार दोस्तों, लेजी बॉडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे स्ट्रेट डॉग देसी डॉग के बारे में। बात करेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट, हिस्ट्री, हेल्थ, बिहेव, एडॉप्टेशन प्रॉब्लम, ट्रेनिंग। हिस्ट्री, भारतीय स्ट्रेट डॉग को हम परिया डॉग भी बोलते हैं या देसी डॉग भी बोलते हैं। ये हजारों साल से भारतीय उपमहाद्वीप पे रहते आए हैं, करीब हजार साल से ये यहीं हैं। हम सब अपने बचपन के इनके ऊपर लिखे किस्से, कहानी और दंत कथाओं में सुनते आ रहे हैं। कुछ पुरानी शिल्प कलाओं में भी इनको देखा जाता है। इसे परिया क्यों बोलते हैं? परिया का मतलब होता है छोड़ दिया या बहिष्कार कर दिया गया, हालांकि ये नाम इनके काबिल नहीं है। हेल्थ, ये भारत में कई सदियों से रहे आ रहे हैं, जिसके कारण इन्हें मौसम के बदलाव में कोई फर्क नहीं होता और ये अच्छे से रह पाते हैं। इस कारण से भी इनको डॉक्टर की जरूरत बहुत कम पड़ती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इन्हें ना के बराबर की जरूरत पड़ती है। बिहेव, कुत्तों को उनके काम से जाना जाता है। ये हाउंड डॉग है, इन्हें शिकारी कुत्ता बोला जाता है। हाउंड डॉग शिकारी होते हैं, इसलिए ये कभी कभी एग्रेसिव मूड में दिख जाते हैं। हालांकि ये ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि इन्हें अपने घर परिवार से बहुत प्यार होता है और उनके ऊपर कोई खतरा इन्हें देखते महसूस होते ये एग्रेसिव हो जाते हैं। ये परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, ये फैमिली रहते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे या वयस्क के साथ ये बहुत अच्छे तालमेल बना लेते हैं। ये बहुत फ्रेंडली होते हैं और इन पर आसानी से ट्रस्ट किया जा सकता है। एडॉप्टेशन, अगर आप इनको एडॉप्ट करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और ना ही कोई एक्स्ट्रा खर्च इनके खान पान में लगता है। इनका खान पान भी बहुत सरल है, आप जो खाते हैं वो इन्हें खिला सकते हैं। ट्रेनिंग, ये बहुत ही समझदार ब्रीड होते हैं, जो आप सब ने देखा होगा, सुना होगा, जानते भी हैं, आसपास आपने देखा होगा। ये कमांड बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ये बहुत जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं। आमतौर पर इनको ट्रेनिंग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इनका इस्तेमाल हमारी सेना, हमारी पुलिस भी अपने पार्टनर के तौर पे करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हम डॉग्स के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। हम सारी ब्रीड के ऊपर बात करेंगे और उनकी समस्याओं की भी।